एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रतिभा, कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही की सब्जी। जब घर में कोई सब्जी ना हो तब आप एक बार इस दही की सब्जी को जरूर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस दही की सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि दही की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कटोरी ये गाढ़ा दही लिया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है हमें इसके लिए। यहाँ पर मैंने कुछ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह काट के रखा हुआ है, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने लिए हुए हैं। टमाटर भी लिया हुआ है, अगर दही खट्टा हो तो आप टमाटर ना डालें। और 1 बड़े साइज़ का प्याज भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए एक पैन में मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें सरसों के दाने डाल देंगे, ये काली वाली सरसों है। साथ में हम इसमें करी पत्ता डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे इनको हल्का सा। ये देखिए दाने सरसों के अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई, और हरी मिर्च को भी हम हल्का सा भून लेंगे। साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हम मीडियम फ्लेम में हल्का सा गुलाबी होने तक भूनेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए, अब साथ में ही हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे कटा हुआ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए शिमला मिर्च भी मैंने डाल दिया हुआ है। साथ में अब हम कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, अगर आप खट्टा दही यूज कर रहे हैं तो आप टमाटर स्किप कर सकते हैं। और टमाटर को भी हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। थोड़ी सी हींग मैंने पहले नहीं डाली थी, अभी मैंने इसमें थोड़ी सी हींग भी डाली हुई है जिससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, और मसालों को हल्का सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने हैं, स्वादानुसार नमक डाल देंगे और मिला देंगे अच्छे से। और आप देख सकते हैं हमारी जो ये सब्जियां हैं ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से, तब हम इसमें दही डाल देंगे। दही को मैंने विस्कर से अच्छे से विस्क कर लिया हुआ था जिससे कि ये दही एकदम स्मूथ है। और इस तरीके से दही की सब्जी बनाने से दही की सब्जी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे और हमारी बहुत ही स्वादिष्ट दही की सब्जी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये दही की सब्जी। और ऊपर से हमने इसे थोड़ा सा लाल मिर्च और भुने हुए जीरे के पाउडर से गार्निश किया हुआ है। थोड़ा सा मैंने करी लीव्स इसमें बीच में रख के गार्निश किया हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट दही की सब्जी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।